नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी इवेंट प्रोडक्शन में। तो दोस्तों, हम कवर करने वाले हैं जोमा कैरेबियन टिटन का मैच नंबर 22, जो कि दोस्तों अभी खेला जाएगा REN वर्सेस PAC टीम्स के बीच। डिप्लांस करेंगे दोनों टीमों को एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले मैचेस की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, जो हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो अपनी जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, कभी को हमारे लिंक और करना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realfwp, आपको फैंटेसी इवेंट प्रोडक्शन का चैनल दिखेगा। 26,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों, मेरे नाम से कुछ फेक चैनल भी बने हैं, तो प्लीज़ आप उनसे सावधान रहिएगा। और यूजर नेम @realfwp देख के, 26,000 के आसपास सब्सक्राइबर देख के, हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों, बात करें मैच की, मैच रात्रि में 2:30 से स्टार्ट होगा। और दोस्तों, मैच होने वाला है सर विवन रिचर्ड स्टेडियम ऑन्टिका वेस्ट इंडीज में मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं कि पिच की, तो बैलेंस विकेट मान के अपनी टीम को क्रिएट करेगा। हालांकि दोस्तों, उस ग्राउंड के अंदर जो बॉलर्स हैं उनको ही एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। बहुत ज्यादा बड़े स्कोर यहाँ पे अभी तक देखने को मिले नहीं है, आप 80 से लेकर 100 के रेंज में स्कोरिंग देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, T10 का गेम है, T10 एक छोटा फॉर्मेट होता है जहाँ पर बल्लेबाज पहले बॉल से अटैक करते हैं, जिससे रन तो ठीक ठाक बनते हैं लेकिन अच्छे खासे विकेट जाते हैं। तो आपकी टीम में दोस्तों जो बॉलर्स और ऑलराउंडर्स हैं आपकी टीम में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं REN टीम्स की, तो टूर्नामेंट में ओवरऑल बेहतर खेली है। 7 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 3 हारे हैं। इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे जोशुआ थॉमस, उनके साथ ओपन करने आएंगे एस्टन रिचर्ड्स। इस टीम को ओपनिंग प्लेयर कभी भी कंफर्म नहीं रहा है। अब लास्ट के कुछ मैच से जोशुआ थॉमस ओपन करने, लेकिन लास्ट मैच में इनके साथ ओपन करने आए थे एस्टन रिचर्ड्स। बीच में 2 मैच में चेयरमैन ओटोगुन ने ओपन कराया था, उसके पहले फिर एस्टन रिचर्ड्स आए थे। तो इनके ओपनिंग प्लेयर में हमेशा से बदलाव होते रहे हैं। टूर्नामेंट के शुरुआत में इन्होंने कुछ मैचेस में, मैं आपको ऊपर दिखा दूँ, कड़ी में कुछ मैच में इन्होंने कड़ी मेहंदिस ओपन कराया था। उसके बाद लास्ट मैच में दोस्तों, सेकेंड लास्ट मैच में इनके लिए चेयरमैन ओटो ने ओपन किया था 2 मैच में। तो मतलब इनका ओपनिंग प्लेयर कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि आखिरी के 3-4 मैच से लगातार जोशुआ थॉमस ओपन करने आ रहे हैं। बहुत अच्छा कुछ नहीं किया, लेकिन 18-1-19-17 मतलब विकेट कीपिंग सेक्शन में ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं है, तो आप इनके साथ जा सकते हो। क्योंकि आखिरी कुछ मैच से लगातार ओपन कर रहे हैं, तो ओपन करने के चांसेस आई हैं। और दूसरे बल्लेबाज मजबूत टीम के कीपर हैं, तो कैचिंग और स्टंपिंग से भी कुछ पॉइंट दे सकते हैं। एस्टन रिचर्ड्स का कोई मतलब नहीं, आप आसानी से इनको छोड़ सकते हैं। एलॉय फ्रांसिस इस टीम के सबसे महत्वपूर्ण ऑलराउंडर, राइट हैंड बैट्समैन है, ब्रेक डालते हैं। लास्ट गेम 1 रन किया, 2 ओवर डाले, उसके पहले 2 ओवर डाल के 1 विकेट निकालते, उसके पहले 2 ओवर डाल के 2 विकेट निकालते, उसके पहले 2 ओवर 0 विकेट 27 रन 1 विकेट 0 विकेट 34 रन 1 विकेट 34 रन 0 विकेट। तो ओवरऑल देखा जाए अच्छा पहुंच रहा है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से। 2-3 बैटिंग से अच्छे स्कोर उन्होंने करी है, 27 और 34 के। बॉलिंग से देखा जाए तो आखिरी के कुछ मैचेस में अच्छी बॉलिंग कराई हुई है। सबसे पहले दोस्तों आपको 1 से लेकर 2 ओवर की बॉलिंग करके देंगे, प्लस 1 डाउन बैटिंग करके देंगे। और मजबूत टीम के ऑलराउंडर है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी अच्छे ऑप्शन है। कड़ी महीने की बात करें, बैटिंग से ही पॉइंट देंगे, बॉलिंग के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अभी तक जितने भी मैचेस 7 मैच हुए हैं, उसमें से एक ही मैच में उन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग कराई है, बाकी से बैटिंग से ही परफॉर्म किया। 19, 36, 1, 32, 29, 27 बैटिंग से कड़क बल्लेबाज हैं, तो अपनी टीम में जरूर रखिएगा। CBC के बारे में मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बैटिंग करते हैं। न्यू हॉन्डी मस्ट है, ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, तो एक टीम में कैप्टन बना दो। आखिरी कुछ मैच से अलग ही लेवल पर जा रहे हैं। लास्ट गेम में 2 ओवर डाल के 3 विकेट निकाले, उसके बाद 2 ओवर 1 विकेट 5 रन, उसके बाद 2 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले 20 रन किए, 13 रन 1 विकेट 33 रन 0 विकेट। बैटिंग से अच्छे स्कोर बनाने की सालियत रखते हैं। एक मैच में देखिए 33 किया, एक मैच में 13 रन आउट, एक में 20 किया। तो यदि 20-25 बैटिंग से कर जाते हैं, 2 विकेट भी ले जाते हैं, तो आपका ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाना सफल हो जाएगा। तो इसलिए एक आज GL में इनको भी CBC जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि नंबर 5 के आसपास बैटिंग करने भी आजकल आ रहे हैं। और यहाँ से क्रिसमस प्लेस को आप छोड़ दीजिएगा। शॉन मोर की बात करें दोस्तों, राइट आर्म मीडियम, लास्ट गेम में 2 ओवर 1 विकेट, उसको बोले 2 में 2, 2 में 0, 2 में 1। तो ओवरऑल देखा जाए ये भी 2 ओवर की पूरी बॉलिंग करके जा रहे हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्लेयर है आपके लिए। 2 ओवर की बॉलिंग डालने वाले विशाल गोविंद बॉलिंग नहीं कर रहे हैं आखिरी 3 मैच से, तो आप इनको आसानी से छोड़ सकते हैं। नीचे दोस्तों यहाँ पे ऑरलैंडो बोस्टन की बात करें, ऑफ ब्रेक है, लास्ट गेम खेले थे, 2 ओवर डाले, विकेटलेस रहे। और पहला गेम जिस टूर्नामेंट के खेले था वहाँ पर इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई थी, तो ग्रैंड लीग के अंदर ही आपने रोटेट करना है। रिची थॉमस आखिरी के जो 4 में से 3 मैच खेले बॉलिंग नहीं किया, आप इनको भी आसानी छोड़ सकते हो। लैरी जोसेफ ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि लगातार कुछ मैच से 2 ओवर की पूरी बॉलिंग कर रहे हैं। 2 ओवर 0 विकेट, 2 ओवर 1 विकेट, 2 में 1, 2 में 1, और आखिरी के 4 मैच में इन्होंने 2 ओवर पूरे डाले, इनको 1 विकेट हर मैच ऑलमोस्ट मिला हुआ है। तो एक अच्छा ऑप्शन देंगे, आप इनको ट्राई कर सकते हो। लास्ट मैच में दोस्तों इनको एक इंपॉर्टेंट बॉलर टीमू थॉमस को इन्होंने खिलाया था, हालांकि वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, देखिए 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। तो टोटल मतलब 7 में से 6 मैच जो खेले थे उसमें 7 विकेट निकाले थे, वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे, रन भी कम दे रहे थे। लेकिन पता नहीं लास्ट मैच में इनको क्यों नहीं खिलाया गया, इनकी जगह टीम ने
बोस्टन को खिलाया जिनसे दो बटल हुआ है। तो हो सकता है इस मैच में इनकी जगह फिर से वापस टीमो थॉमस देख जाएं, लेकिन यदि टीमो थॉमस खेलते हैं तो आप इनको रख लीजिएगा टीम में, क्योंकि फिर ये दो ओवर जरूर डालेंगे। और बेंच में दोस्तों कोई उतना कुछ खास प्लेयर है नहीं, हो सकता है सैम्पलिंग 11 रहे आर्यन का और बैटिंग ऑर्डर भी लगभग यही देखने को मिल सकता है। बात करते हैं दोस्तों इस मैच की हमारी दूसरी टीम रहने वाली है, बात कर लेते हैं पीएससी की। बहुत बुरा हाल है, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं, साथ में सिर्फ दो मैच जीते हैं, पांच मैच आ रहे हैं। इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते हैं कैनरिक स्कॉट, उनके साथ ओपन करने आएंगे टेरन विलियम्स। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दूं आपको जो फाइनल टीम मिलेगा इस टीम में कुछ भी अपडेट होगा, कोई प्लेयर नहीं खेलता है, फिर कोई भी इस मैच रिलेटेड न्यूज आती है, मैं सब कुछ आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ऑलरेडी वहाँ पर दोस्तों 26,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाएं, जुड़ना बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी सारी वीडियोज की। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पीएससी की, कैनरिक स्कॉट राइट हैंड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक डालते हैं, लास्ट गेम में 9 रन किया, एक ओवर डाला, उसके पहले एक ओवर डाला 36 रन किए, उसके पहले 2 ओवर 0 विकेट 32 रन, उसके पहले फिर एक ओवर डाला, फिर दो ओवर डाले, फिर दो बॉल डाले, फिर एक ओवर डाला। अब यदि आप साथ में से देखेंगे तो दो मैच में उन्होंने दो दो ओवर डाले, बाकी सारे मैच में इनकी एक ओवर या फिर उससे कम की बॉलिंग रही है। बैटिंग से तो कमाल किया उन्होंने, दो तीन मैच में 30+ स्कोर हुआ, 36, 32, 31। तो ग्रैंड लीग में सीबीसी बना, स्मॉल लीग में जब प्लेयर रखेंगे वो बॉलिंग का ज्यादा भरोसा नहीं हो सकता, एक ओवर तो कंफर्म डालेंगे, अब दो ओवर कह पाना बहुत मुश्किल है। टेर उतने विकेट टेकिंग भी नहीं है, बहुत ज्यादा विकेट भी नहीं मिला इनको, कुल इनको 6 मैच में बॉलिंग कराई, 7 मैच में जो बॉलिंग कराई उसमें इनको 4 विकेट कुल मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा विकेट भी नहीं ले पाए हैं। वहीं टेरन विलियम्स की बात करें, ये विकेट टेकिंग बॉलर है, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड मीडियम, भले ही एक दो ओवर की बॉलिंग, किसी मैच में एक ओवर किया, किसी मैच में दो ओवर की, लेकिन विकेट जरूर लेके जाते हैं। अब लास्ट गेम में दो ओवर डाले, एक विकेट निकाला, उसके ऊपर एक ओवर डाला था लेकिन दो विकेट ले गए थे, उसके ऊपर एक ओवर डाला फिर एक विकेट, दो ओवर डाला एक विकेट, 0 विकेट, एक विकेट, एक विकेट, हर मैच में उनका विकेट है सिर्फ एक मैच को छोड़ के। बैटिंग से देखेंगे 41 किया, 34 किया, 24 किया, तो बैटिंग से भी बड़े स्कोर बनाने की सलाह थे इनके पास, तो मेरे हिसाब से अपनी टीम में जरूर रखें, सेफ रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर है, एक से दो बार जरूर डालेंगे। करीमा गोरी भी बहुत अच्छे मतलब ऑलराउंडर है, लास्ट गेम में दो बार डाले विकेट ले रहे, उसके पहले दो बार एक विकेट 22 रन, 2 में 0, 2 में 0, 2 में 1, 2 में 1, 2 में 0। और यदि बैटिंग से बात करें तो दो तीन अच्छे स्कोर हैं, 33 का, 44 का, 21 का, बस एक ही एक उतनी विकेट टेकिंग नहीं है, मिडल ओवर में बॉलिंग करते हैं, लेकिन एक चीज़ है करीमा गोरी दो ओवर पूरे डालते हैं, अभी तक एक भी मैच इनका ऐसा नहीं गया, सात में से एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें इनके ओवर कट हुए हैं, सात मैच में इन्हें 14 ओवर डाल रखे हैं। तो मेरे हिसाब से यदि आप ऐसे बॉलर को कैप्टन कैप्टन मान चाहे, वैसे ऑलराउंडर को जो दो ओवर की कंफर्म बॉलिंग डाल के दे, तो ग्रैंड लीग में करीमा गोरी जरूर बनाएगा। बैटिंग तो नंबर तीन पे करेंगे और कंफर्म दो ओवर डालेंगे, बल्कि टर्न बॉलर्स के कभी कभार ओवर कट जाते हैं। नीचे देखिए दोस्तों मेलविन चार्ज कुछ मैच से ये भी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये भी बढ़िया पिक रहेंगे, लास्ट गेम में 10 रन की एक विकेट निकाला, उसके बाद 10 रन 0 विकेट एक ओवर, तो लास्ट के दो गेम में 3 ओवर डाल चुके हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते बॉलिंग की, लेकिन एकाध ओवर डाल सकते हैं, और आखिरी मैच में तो विकेट भी मिल गया था। और बैटलेट हेनरी वगैरह का बैटिंग नहीं आता, सेम दोस्तों गिराल्ड का भी है, इनका भी लास्ट मैच में इनको बॉलिंग नहीं मिला, मतलब गिराल्ड हो गए, मेलविन चार्ज हो गए, इनमें से कोई एक ही डालेगा बॉलिंग। अब देखिए तीसरे मैच में यहाँ पर इनको कराया था और लास्ट के दो गेम में सिर्फ एक ही ओवर डाला, तो लास्ट के अब देखिए मैं आपको क्लियर कर दूँ, लास्ट मैच में एक भी ओवर नहीं डाले तो इसने दो डाले, उसके पहले वाले मैच में इन्होंने एक ओवर डाले तो इसने एक ओवर डाले, मतलब इन दोनों के बीच दो ओवर फिर हो गए, उसके पहले वाले मैच में चार्ज ने बॉलिंग नहीं करी तो इसने दो ओवर डाले, मतलब इन दोनों के बीच दो ओवर डिवाइड रहेंगे। अब ये दोनों एक एक ओवर भी कर सकते हैं आपस में, हो सकता है इनमें से चार्ज दो कट जाए फिर यही दो कट जाए, तो देखते हैं। नीचे पिटमैन को आप छोड़ दीजिएगा, बहुत नीचे खेलते हैं, जूनियर हेनरी बहुत नीचे खेलते हैं, आप इनको भी छोड़ दीजिएगा। कैसर की बात करें, बॉलिंग कर नहीं रहे, लास्ट गेम बॉलिंग नहीं कराई, उसके पहले जो दो गेम खेले थे वहाँ पे 3 ओवर कोट डालते हैं, तो ये भी रिस्की रहेंगे। मिका मंगनजी इस टीम के दूसरे अच्छे बॉलर हैं, जो कि डेथ में भी डालते हैं लेग ब्रेक होने के बावजूद, लास्ट गेम में एक विकेट निकाला, उसके पहले 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, सबसे बड़ी बात दोस्तों इनको विकेट मिला है, और दूसरी बड़ी बात ये दो ओवर लगभग अपने पूरे करते हैं, तो आप इनको जरूर ट्राई करिएगा। रैनफोर्ड को लास्ट गेम में बॉलिंग नहीं मिला था, बेंच में जो प्लेयर हैं ये लोग शायद आपको खेलते हुए ना दिखे, जी आर मार्टिन खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है, आप देख लीजिए यहाँ पे पीएससी का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर लगभग शायद ही देखने को मिले। बात करते हैं इस मैच की टीम की, लेकिन जो भी मेरा फाइनल टीम होगा जिस टीम से मैं खेलूंगा मैं आफ्टर टॉस आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, 26,000 ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जुड़ना बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप जल्दी से आकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों बात करते हैं इस मैच की टीम की, दोस्तों विकेट कीपरिंग सेक्शन में जोशुआ थॉमस के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि आखिरी कुछ मैच से लगातार ओपन कर रहे हैं आर्यन के लिए, तो बढ़िया ऑप्शन नहीं है, मजबूत टीम के भी कीपर हैं, और यहाँ से जे हेनरी बहुत नीचे खेलते हैं, बाकी कोई खेलेगा नहीं। बात करें बैटिंग सेक्शन की, ऐसे मैंने 4 प्लेयर लिए हैं, एलॉय फ्रांसिस ऑलराउंडर वाला काम करेंगे, कड़ी में अच्छे से बैटिंग से अच्छे फॉर्म में चले, और टी विलियम्स और ये दोनों तो ऑलराउंडर हैं, ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन बढ़िया ऑप्शन है, तो ये दोनों को तो रखना ही है, कड़ी में अच्छे फॉर्म में, तो ये तीनों हो गए। चौथा प्लेयर दोस्तों मैंने मेलविन चार्ज को लिया, जिनका मात्र 60% सिलेक्शन है, आखिरी के दो में से बॉलिंग करें, आखिरी के दो में टोटल 3 ओवर डालें, प्लस बैटिंग भी नंबर 4 पे करते हैं टोटल, तो मैं इनको मुझे बढ़िया पिक लगे, मैं लेके जा रहा हूँ। हालांकि यदि इनके टीम में नंबर ऑफ बॉलर ज्यादा खेलते हैं, इनके बॉलिंग करने के चांस नहीं रहते, तो आफ्टर टॉस में इनको चेंज भी कर सकते हैं, बाकी अभी के लिए मेलविन चार्ज है, और यहाँ पे कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन से कैनरिक स्कॉट, यहाँ से करीमा गोरे, एस मोरे, तीन की टीम इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि टी थॉमस खेल जाएंगे तो मैं सीधे से मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पे एम चार्ज के लिए टी थॉमस को लेने वाला हूँ, लेकिन लास्ट मैच टी थॉमस खेले नहीं थे इसलिए वैसे मैं एम चार्ज लेके जा रहा हूँ, क्योंकि और मुझे कोई बेहतर मिला नहीं। बॉलिंग सेक्शन की बात करें, मैकेंजी, नीनू हेनरी, तीसरे दोस्तों यहाँ से लैरी जोसेफ, तीन की टीम इंपॉर्टेंट है। बोस्टन को आप ग्रैंड लीग ट्राई करिएगा, रैनफोर्ड वगैरह लास्ट गेम में बॉलिंग करी नहीं थी। बात करें दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन टीम की फाइनल प्रीव्यू की बात कर लेते हैं,
दोस्तों कैप्टन में करा हुआ है ऐसे टायरन विलियम्स को, वाइस कैप्टन दोस्तों एलॉय फ्रांसिस, दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो टॉप ऑर्डर खेलते हैं प्लस आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। अब दोनों से दो दो ओवर की बॉलिंग देखेंगे प्लस दोनों ही टॉप ऑर्डर खेलते हैं, तो ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन के स्मॉल लीग में बेस्ट हैं। ग्रैंड लीग के अंदर आप क्या कर सकते हो, उन दोनों को बनाइएगा। इसके साथ साथ अपने करीमा गौरव को जेल में से जरूर ट्राई करना है, करने का स्टॉट को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। तो ये चार प्लेयर ग्रैंड लीग स्मॉल लीग चारों मतलब दोनों की जगह बेस्ट है, तो इन्हीं चार में से बीसी रोटेट करिएगा। बाकी दोस्तों ग्रैंड लीग में इन चारों के अलावा एक ऑप्शन मैं आपको और दूंगा, जिसको मैं जब हम स्टैट्स देख रहे थे तभी मैंने डिस्कस किया था, नीनू हेनरी। ये नंबर पाँच के आसपास आजकल बैटिंग करने आ रहे हैं, बैटिंग से दो तीन बड़े स्कोर किए और दो ओवर की कन्फर्म बॉलिंग कर रहे हैं और लास्ट गेम में तो तीन विकेट लग गए थे, तो इनको भी ग्रैंड लीग में कैप्टन कैप्टन जरूर बनाएगा। बाकी स्मॉल लीग की टीम में रही है, हालांकि दोस्तों आफ्टर टॉस से टीमू थॉमस खेलते हैं तो मेलविन चार्ज के लिए सीधे सीधे यहाँ पर मैं टीमू थॉमस लेने वाला हूँ। टीमू थॉमस खेल जाएंगे तो अभी के लिए मैंने मेलविन चार्ज को लिया हुआ है क्योंकि ये आखिरी कुछ मैच बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी जगह टीमों तो हमारे टीम में आ सकते हैं प्लेइंग 11 वो अनाउंस होते हैं। तो बाकी स्मॉल लीग की टीम में रही रहने वाला है और अभी इसी टीम से मैं स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, हालांकि ये फाइनल टीम नहीं, टॉस के बाद इसमें थोड़ा बहुत अपडेट हो सकता है, लेकिन जो भी मेरी फाइनल टीम होगी जिस टीम से मैं खेलूंगा मैं आफ्टर टॉस आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जहाँ पर जुड़ना बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम को। 26,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं तो आप भी आगे जुड़ जाएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के साथ इंस्टाग्राम ट्विटर का भी लिंक है, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।